नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। पहले जागरूकता, जन जागरण अभियान चलाना और उसके बाद उसको क्रियान्वयन करना, ये कार्यशैली होती है एक समाज में काम करने वाले की। कुछ लोग पोस्टर बैनरबाजी कर सुर्खियों में बने रहने के लिए कार्यक्रम का औपचारिक जामा पहनाते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी धारणा मन मस्तिष्क में समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बनी है। ऐसा ही एक चेहरा है श्रीमती नीता प्रसाद लाड का, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर काम कर रही हैं। अंत्योदय अर्थात समाज के आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। हमारा ध्येय गरीब परिवारों की मूलभूत जरूरतों को पूरी करना है, विशेष तौर पे महिलाओं और युवकों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनके स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थिति को सुधारना है। हमारे संगठन द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? मेमोग्राफी यह एक प्रक्रिया है जिससे स्तन कैंसर की शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है। स्तन कैंसर अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है और स्तन की मांसपेशियों में फैलता है। नियंत्रित नहीं करने पर यह शरीर के दूसरे भागों में भी तेजी से फैल सकता है। इसलिए सभी महिलाओं से ये अनुरोध है कि वह इस शिविर में हिस्सा लें। कार्यों का लेखा जोखा उनके पास तक नहीं है, क्योंकि काम करना और उसके बाद आगे बढ़ जाना, यही समाज सेवा की पहचान है। लेकिन उनके द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक सप्ताह उन्होंने महिलाओं के लिए जो मेडिकल कैंप लगाया, उससे महिलाओं को काफ़ी लाभ मिला, क्योंकि ये कैंप महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर चेकअप का था, जिसमें महिलाओं का परीक्षण कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श मुफ्त में दिया गया। अलग अलग दिन, अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित ढंग से कैंप लगाया गया, जिसको लेकर महिलाओं ने इसका काफ़ी लाभ लिया। पहली बार इस तरह के कैंप का आयोजन, और वो भी कई दिनों तक किया गया। कैंप से पहले जागरूकता पैदा की गई, जो अपने आप में एक उदाहरण है। एक कैंप श्रीमती नीता प्रसाद लाड ने अंत्योदय प्रतिष्ठान की तरफ से लगाया, जिसमें उनके साथ कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले तो ये हमने किया है, मोदी जी का बर्थडे था तो सेवा सप्ताह के हिसाब से हमने उसमें, ये अभी चौथा कैंप है, तो हम लोग को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, क्योंकि स्लम में इनकी बहुत ज़रूरत है, औरतें अपनी तरफ ध्यान नहीं देती थी, तो उनके लिए ये एक ज़रूरी था कि अगर वो आज समझ जाए तो आगे जाके वो अपना खुद भी चेकअप कर सकते हैं, जो उनको सिखाएंगे हम लोग बाद में, लेकिन आज वो थोड़ी निडर होके जाएंगी घर जब चेकअप करेंगी, क्योंकि वो परिवार की तरफ देखती है, अपनी तरफ कभी देखती नहीं है, तो हमने सोचा कि ये और मोदी जी का भी कहना है कि छोटे बच्चे और औरतों को हमने प्राधान्य देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी मेरा अंत्योदय प्रतिष्ठान से मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो इसी माध्यम से हमने ये कैंप रखा है और सिर्फ स्लम की लेडीज़ को रखा है, और रियल में हम लोग एक दिन में 40 ही महिला कर पाते हैं, पर तो भी अभी हम लोग बढ़ाएंगे उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, हर महिला ने और लोगों ने आना चाहिए, और तो हम लोग और करेंगे, आज पांच करके और थोड़ा गैप लेके और महिलाओं को बताएंगे, उसके बाद और एक दो चार कैंप और बढ़ाएंगे। कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं।